प्रॉब्लम ये बीच से फट रही है, ये दिक्कत है। और ये चेक इंजन लाइट जल रही है इसमें, और मैं इसमें दिखा देता हूँ कि गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देखिए सेल्फ मार रहे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई आपके। दोस्तों स्वागत है आपका मेरे आपका चैनल में राकेश बाइक रिपेयरिंग। तो फ्रेंड हमारे पास आई है ये BS6 पैशन प्रो, और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आपको प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो ये हम चाबी ऑन करते हैं, चाबी ऑन किया हमने, ये देखिए डिस्प्ले आ गई है इसमें। और ये देखिए सबसे पहली प्रॉब्लम ये बीच से फट रही है, ये दिक्कत है। और ये चेक इंजन लाइट जल रही है इसमें, और मैं इसमें दिखा देता हूँ कि गाड़ी जो है स्टार्ट नहीं हो रही है। ये देखिए सेल्फ मार रहे, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। काफ़ी देर से हम परेशान थे, हमारे मैकेनिक भाई परेशान थे, दुकान के लड़के सब परेशान थे। तो हमने चेक किया, हमने सोचा हो सकता है इसमें जो है करंट की प्रॉब्लम आ गई हो। तो हमने करंट भी ओपन किया, तो करंट भी हमने चेक करने की कोशिश किया, तो करंट हमने ये चेक किया कि देखा कि शायद हो सकता है करंट की प्रॉब्लम हो। तो हमने सेल्फ मारा, तो मैं आपको चेक करा देता हूँ किक मार के, स्पार्क प्लग खोल के किक मार के, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड इसका स्पार्क प्लग हमने खोल दिया है, और चाबी ऑन करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो हम चाबी ऑन कर दिया, ये देखिए डिस्प्ले ऑन है, और डिस्प्ले ऑन है तो इसमें किक मार के दिखाता हूँ। ये देखिए करंट इसमें बरकरार है, करंट बहुत अच्छी तरीके से आ रहा है। ठीक है फ्रेंड, फिर भी गाड़ी जो है हमारी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो हम स्पार्क प्लग भी चेक करा देते हैं। स्पार्क प्लग हमने आपको काफ़ी वीडियो में बता रखा है कि स्पार्क प्लग कैसे चेक करना है, तो स्पार्क प्लग कैसे चेक करना है ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड ये देखिए हमने अडाप्टर लगा दिया है, और करंट चेक करने का स्पार्क प्लग सही है कि नहीं सही है ये चेक करने का सबसे इससे आसान तरीका और अच्छा तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो आपको इस तरीके से लगा लेना, लगा कर किक मारनी है। तो ये देखिए इसमें करंट बरकरार है, कोई दिक्कत नहीं, करंट भी आ रहा है स्पार्क प्लग में। मैं पास से दिखा देता हूँ, ये देखिए करंट आ रहा है, ये आपको करंट दिख रहा है, बिल्कुल सेंटर पे आ रहा है। अगर आपका करंट जो है सेंटर पे आ रहा है तो गाड़ी स्टार्ट होगी, अगर अगल बगल आ रहा है तो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी, इस चीज़ का जरूर ध्यान दीजिएगा। तो हमने ये भी चेक कर लिया है, उसके बाद भी गाड़ी प्रॉब्लम कर रही, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही, तो हमको क्या चेक करना है। तो फ्रेंड हमने ये इस पर गौर किया, जो इसको चाबी ऑफ करके जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो इसमें मोटर की आवाज़ आनी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी में चाबी ऑन करते हैं मोटर की आवाज़ नहीं आती है तो समझ लीजिएगा मोटर में प्रॉब्लम है। तो चलिए भैया हम मोटर ओपन करते हैं, मोटर ओपन करके फ्यूल टैंक ओपन करके बताते हैं आपको क्या प्रॉब्लम इसमें। फ्रेंड ये देखिए टैंक हमने पूरा ओपन कर रखा है, और इसमें हमने देखा ये वायरिंग ये देखिए चूहे ने पूरी कुतुर कुतुर के बेकार कर दी है, और ये देखिए यहाँ से कटी हुई है, और ये देखिए यहाँ पे भी कटी हुई है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड ये जो है वायरिंग यहाँ से काट दी है चूहों ने, तो गाड़ी इसीलिए फ्यूल पंप जो है काम नहीं कर रहा था इसका। तो आपको आप लोग हमारी वीडियो देखते हो तो हम आपको बिल्कुल सटीक चीज़ बताते, बिल्कुल घुमाते फिराते नहीं है कि आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, उसके बाद क्या चेक करना है, उसके बाद क्या चेक करना है। तो हमने आप स्पार्क प्लग चेक कराया, स्पार्क प्लग में करंट चेक कराया, उसके बाद जो हमने ये डायरेक्ट टंकी खोली, टंकी खोलने के बाद इसको अपने सॉकेट आपको चेक कराया। ये देखिए सॉकेट यहाँ से कटी हुई है, इस वजह से इसका जो है फ्यूल पंप वर्क नहीं कर रहा था। और ये जो मीटर की रीडिंग होती है ये हम आपको दिखा देते हैं, तो ये जो मीटर की जो है रीडिंग होती है, अगर आपके पास ये मीटर की रीडिंग जो है फटने लगे, ये देखिए मीटर की रीडिंग हमने चालू कर दी, अगर ये बीच से फटने लगे तो आप 101% श्योर हो जाइए कि गाड़ी में जो है फ्यूल टैंक में प्रॉब्लम है, या तो वायर कटी है या तो वायर में कनेक्शन नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्यूल मोटर में प्रॉब्लम थी, तो हमने क्या करना है इसको वायर छील करके लगाना, कैसे कनेक्शन करना सब कुछ मैं बताऊंगा। अगर आप एक भी कनेक्शन गलत कर देते हैं तो फ्यूल मीटर जो है उड़ जाएगी। तो चलिए हम खोलते हैं, खोल करके आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड ये देखिए ये हमने सारी वायरें जो है छील ली है अच्छे से, और इसकी स्लिप हटा दी है। इसको पैकिंग कैसे करना है, अगर आप ये पैकिंग करने में थोड़ी भी दिक्कत करते हैं तो आप में गाड़ी जो है फ्यूल टैंक जो है शॉर्ट होने की दिक्कत आ सकती है। ठीक है फ्रेंड, तो आपको सेट कैसे करना है ये मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले वाली पीली वाली लगानी है इस तरीके से, कलर कोडिंग आपको ध्यान देना, अगर आप कलर कोडिंग मिसिंग करते हैं तो आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये देखिए ये वाली है, तो पहले इसमें हमने टेप लगा देंगे। सबसे पहले हमको जितने वायरों हम कनेक्शन कर रहे हैं सब में हमको टेप लगा लेना है।
ये देखिए टेप हमने लगा दिया, ये देखिए टेप लगा दिया। अब कौन सी है, अब ये हरी वाली है, हरी वाली में लगा देंगे। ये हरी वाली हमने लगा दिया टेप, और इसे भी हम वेल्ड कर दिया है। अब इसके में टेप लगा देंगे। और टेप अच्छी से मारिएगा, अगर ये एक भी वायर खुली होगी और आपस में टच हो जाएगी तो प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो इसको भी हम लगा देंगे। ये रही हमारे पास स्लिप जो कि इसी की है। ये हमने मार दिया टेपिंग, और इधर से मार देंगे। और भी हम वायरिंग चेक कर लेंगे ताकि चूहों ने ऐसा तो नहीं कि और भी वायरिंग इसमें जो है डिस्पोज की हो। तो ये कोई भी वायरिंग इसमें डिस्पोज नहीं हुई है। तो चलिए हम इसे पैक कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो ये सॉकेट है हमारी फ्यूल टैंक की, और ये जो है ये हमारी जो है एयर की पाइप की है, जो कि आपको पानी भर जाता है तो उसमें से निकल जाता है। हमारे चारकोल कंटेनर की पाइप है, तो इससे चारकोल कंटेनर में कनेक्शन हो, और ये टंकी में भी कनेक्शन होता है। तो फ्रेंड ये देखिए, ये जो हमने पाइप दिखाई थी, एक पतली वाली इसमें लगेगी, मोटी वाली इसमें लगेगी, और इसमें जो है फ्यूल पंप की वो लगेगी वायर, जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ उधर साइड। तो ये है, ये फ्यूल पंप की वायर है जो कि आपको इंजेक्टर में लगेगी, और इसमें सॉकेट लगेगी। ये देखिए इसमें सॉकेट लगेगी, तो हम सब चीज़ इसमें लगा लेते हैं, फिट कर देते हैं। ये ऑन किया, और ये देखिए टैंक की जो मोटर है चलने लगी। रुको, तो फ्रेंड जैसे इसको हमने ऑफ करके ऑन करेंगे, तो फिर से ये ऑफ किया, ये ऑन किया, और इसकी मोटर पे आवाज़ दीजिएगा आप। ये देखिए चूँ आवाज़ कर रही है। ठीक है फ्रेंड, और इधर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए रीडिंग जो है पहले अप डाउन हो रही थी, अब सिंगल दिखाई दे रही है। ठीक है फ्रेंड, ये i3s वर्क करने लगा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम इसमें स्पार्क प्लग लगा करके आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं कि गाड़ी की जो प्रॉब्लम है सही हुई कि नहीं सही हुई है। तो फ्रेंड ये देखिए हमने स्पार्क प्लग इसका टाइट कर दिया है, और ये लगाते हैं इसमें अडाप्टर। अब फाइनल हम आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाते हैं कि गाड़ी में किक मार के दिखाएंगे, क्योंकि इसकी सेल्फ ले लेके बैटरी हो गई लो। तो चलिए हम किक मार के दिखाते हैं आपको। ये देखिए गाड़ी स्टार्ट हो गई आपकी, बिल्कुल गाड़ी स्टार्ट हो गई है, और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं चलने आ रही है। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड जानने वाली बात है कि अगर आप लोगों के पास BS6 गाड़ी है या कोई भी गाड़ी होती है, तो आपको क्या क्या चीज़ चेक करनी है। सबसे पहले आपको करंट चेक करना है, करंट चेक करने के बाद आपको ये चेक करना है मीटर में ब्लिंक कैसी आ रही है, ऊपर नीचे फट के आ रही है। तो फ्यूल टैंक की आवाज़ सुननी है, अगर फ्यूल टैंक में आवाज़ नहीं आ रही है तो समझ लीजिएगा इसका फ्यूल टैंक में प्रॉब्लम है। तो फ्यूल टैंक खोल करके देखिएगा, या तो वायर कटी होगी या फिर मोटर में ही प्रॉब्लम हो सकती है। मेरे केस में वायर कटी थी, लेकिन आप लोगों के केस में हो सकता है मोटर भी ख़राब हो। तो आप लोग इस तरीके से चेक कर लीजिएगा। BS6 लोग कहते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट गाड़ी है, तो मेरे हिसाब से कोई भी डिफ़िकल्ट गाड़ी नहीं है। अगर आप अच्छे मैकेनिक हैं तो आप BS6, BS7, BS4, BS3 सारी गाड़ियाँ बना सकते हैं। फ्रेंड अगर जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।